पुलिस फोर्स के हमारे रिटायर्ड भारत सरदार गांधी, हमारी आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड भारत सरदार गांधी, स्पीकर साहब, मंदिर मुद्रा साहिबान, चीफ सेक्रेटरी साहब, सरकारी अफसरान और यहाँ पर मौजूद तमाम मतलब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मुझे सामने ने मैं फिर अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आज यूम सदा पुलिस के हवाले से सलाम पेश करता हूँ उन तमाम शोदा को और उनके वाहिमत लवैकीन को, खानदानों को, कि जिनकी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम ये दिन भी मना रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा सूबा या हमारा मुल्क आज अगर कायम और दायम है तो उसकी वजह यही लोग हैं। और जितना भी अब इनको इस्लामी तहसील पेश करें वो कम है, क्योंकि हमेशा जिंदगी में याद रखें कि अपने आप को उस जगह पर रख के फैसला किया जाएगा। जब आप अपने आप को इस जगह पर रख के फैसला करेंगे तो फैसला हमेशा बेहतर होगा और उसका एहसास भी ज्यादा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बाद बहुत सी चीज़ों में हम अल्लाह ताला ने हमें बार बार तलकीन की है सब्र की, लेकिन हम सब्र नहीं करते और बाद अवकात हम कुछ ऐसी लाइन क्रॉस कर जाते हैं किसी एक शख्सियत, किसी इंफरादी, किसी अमल से, जिसमें हम उन बातों का एहसास नहीं करते कि पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर जो कुर्बानियाँ हैं, जो वजूहत है जिनकी वजह से, जिन लोगों की वजह से हमारा अमन, हमारा माशरा कायम है, तो उस एहसास को जिस दिन हम दिल से महसूस कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि उस दिन हम एक अजीब कौम बन जाएंगे। हमारे इस सूबे के अंदर जो सूस है पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि हमारी पुलिस, तो चूंकि मैं खुद भी एक फौजी का बेटा भी हूं और फौजी का भाई भी हूं, हमारी फौज, हमारे तमाम वो महकमे जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ महकमों के वो लोग जिन्होंने शहादतें दी हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और साथ साथ हमारी आवाम जो इस दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दे रही है, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। आज साहब ने आते ही जब हमारी हुकूमत आई तो मुझे पुलिस के हवाले से मसाइल का जिक्र किया और मैंने इनको पहले से कहा कि इस मसले के ऊपर खजाने में पैसे हो ना हो, लेकिन हमारी तरजीह होगी कि सबसे पहले हमने अमन अमान कायम करना है। उन्हीं बुनियादों पर जो भी उन्होंने डिमांड की, हमने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि इसको कम कर दें, बल्कि मैंने ये कहा कि आप मजीद भी लेके आए, इंशाल्लाह हम और अपनी तरजीहात को कम करके इंशाल्लाह इसको तरजीह देंगे। क्योंकि जब तक हमारी फोर्सेज मजबूत नहीं होंगी, जब तक अमन कायम नहीं होगा, तब तक हम एक खुशहाल सूबा नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतरीन इंशाल्लाह असले के हवाले से आपके मुकाबला करने के लिए जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, गाड़ियां चाहिए, उसके लिए हमने फंड दे दिए हैं इंशाल्लाह, और मजीद फंड भी इंशाल्लाह जारी रहेंगे। मैं यहाँ पे ये ऐलान करता हूँ कि जिस तरीके से अली साहब ने फिक्र किया कि पुलिस के जो शोदा है उनका जो एएसआई का जो कोटा है, उनका तमाम शोदा का, चाहे वो पुलिस में है और चाहे अपना जो मर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो भी असूबे का हिस्सा है, मैं तो यहाँ पे वादे करता हूँ कि मर्ड डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करने के बाद जो कमिटमेंट की गई वो तो चलेगी, उसकी हम डिमांड भी करेंगे और हक हम तो लेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त हमारा हिस्सा बन चुके हैं, तो कोई भी अगर चीज होगी यहाँ से तो सूबे के अंदर उनके लिए उसी तरह की तरह एक सूबे का हिस्सा है। और इस तरह हमारे जो वहाँ पे खासदार देवी हैं, उन सब का मैं ऐलान नहीं कर रहा, उन सब का 100% कोटा जितने भी इस वक्त बच्चे हैं उनके या बच्चे हैं उनका ऐसा ये कोटा मंजूर हो चुका है। अब बाल जो है वो अली साहब आपके कोर्ट में है, जल्द से जल्द मैं ये चाहता हूँ कि ये सब के सब एएसआई 100% कोटे के मुताबिक हैं, इनको भी ऑर्डर मिले ताकि ये अपने वालदैन की जगह पर आकर एक तो उनके लिए एक एग्जाम्पल बने, मिसाल बने,
कि जो आगे लड़ रहे हैं इस जंग के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं, और साथ साथ उस फोर्स पर आकर उस फोर्स के लिए भी एक मिसाल बने कि अगर किसी का कोई प्यारा इस मुल्क के लिए अपनी जान दे गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कुर्बानी से पीछे हट रहे हैं, बल्कि हम उससे आगे बढ़ के मजीद इंशाल्लाह कुर्बानियां दे के इस कौम के लिए इंशाल्लाह मिसाल कायम करेंगे। इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया ट्रैफिक के हवाले से, चलान के हवाले से 10% का जो ऐलान किया उसमें से कि वो शोरा के लिए होगा, तो मैं चाहता हूं एक कोई 10% का लफ्ज़ मेरे दिमाग में जब आता है तो मुझे कुछ और सोचे आती है, 10% सही लफ्ज़ भी नहीं है। तो मैं ये ऐलान करता हूं कि 20% जो है उसमें से आपका जो वेलफेयर है शोरा के लिए दिया जाएगा, और ये पैसा आपके पुलिस के फंड से नहीं कटेगा, क्योंकि पुलिस के फंड पहले ही कम है, ये पैसा आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, और उसमें जितना भी पैसा बनता है आप वो 20% जो है वो शोदा के बच्चों के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारे शोदा के बच्चे किसी भी अगर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल करें, क्योंकि ये जो कुर्बानियों ने दी है ये हमारे बच्चों के लिए दी है। मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पुलिस हाल सर्वस है ये हर वक्त, या हमारी फौज है या हमारे जितने भी लोग इस वक्त फ्रंट लाइन में फोर्सेस के लोग मुकाबला कर रहे हैं इस चीज का, तो ये हर वक्त एक ऐसे माहौल के अंदर आजकल की नशेबंदी के हालात में फेस कर रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी भी चैनल या किसी भी तरफ से कोई भी गोली की तरफ आ सकती है। तो इनका जो जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर जो इनका एक कैफियत होती है उसको समझे। हम बार बार बहुत छोटी छोटी बातों पर पुलिस वालों से या फोर्स वालों से फोर्सेस के साथ अपना रवैया थोड़ा सख्त कर लेते हैं। अगर कोई किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है और आपकी तलाशी कर रहा है तो आपके लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कर रहा है, अगर वो आपकी शनाख्त आपसे पूछ रहा है तो आपके बच्चों के लिए आपके लिए कर रहा है, आप भी उनसे एक ऐसा रवैया प्यार भरा रवैया इख्तियार करें। और मेरा पुलिस से भी फोर्सेस से भी गुजारिश है कि आप भी इन लोगों को ऐसे ऑन करें, एक प्यार मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता कायम करें कि हम एक मिसाली सुबह भी बने, एक मिसाली कौम भी बने। मुझे बड़ा दुख होता है बाबा का जब मैं देखता हूँ किसी एक इंफरादी वजह से, किसी एक इंफरादी फैसले की वजह से, किसी एक इंफरादी पॉलिसी की वजह से कोई या किसी की दिलचस्पी हो जाए, वो पूरी फोर्सेस के ऊपर जो है इस तरह के बयान जब आते हैं तो इससे दिलचस्पी होती है उन शोजा की, लवाकीन की, उन गाजियों की, उन लोगों की जिनके बच्चे इस वक्त भी बॉर्डर के ऊपर पता नहीं किस तरह की अफियत से इस वक्त भी वो मुकाबला कर रहे हैं, और किसी वक्त भी खबर आ सकती है कि फलानी जगह पर मुकाबला हुआ और उसके अंदर इतने लोगों को शहीद कर दिया गया हमारे। तो इन सब चीज़ों का एहसास करें, इनको महसूस करें, फिर शोदा के दिन पे आकर कुछ अपने वो जो जज्बात आप उभरते हैं उनको घर जाकर दोबारा मध्यम ना होने दिया करें, उनको और उभारा करें। यूं समझें कि हमारा हर दिन, हमारा हर लम्हा वो इन शोजा के लिए, उन गाजियों के लिए हर वक्त उस तरह के जज्बा और एहसास रखें कि जैसा हम किसी एक मखसूस दिन पर उन्हें करते हैं। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। और मैं एक मैसेज देता हूँ आपसे आज इस जगह से, ये जो दहशतगर्द, ये दहशतगर्द जो हमारे फोर्सेज पर हमारी आवाम पर हमले कर रहे हैं, तो मैं इनको यहां से पैगाम देता हूं कि तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये जिहाद है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये जहालत है, ये जिहाद नहीं है, ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हें बताने वाले की जहालत है। तुम एक जहालत के अंदर हो, इस जहालत के अंधेरों से निकलो, अपनी इस्लाह करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, तुम जिन लोगों से लड़ रहे हो, तुम जिन लोगों को शहीद कर रहे हो, ये तुमसे बहुत बड़े दर्जे के लोग हैं। मैं इन्हें कहता हूं कि अपनी इस्लाह करके इस जहालत से निकले। और अगर ये समझते हैं, कोई भी ये समझता है कि हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वो खानदान जो आज यहां बैठे हैं, उन शहीदों के जो गाजियां मौजूद हैं, वो सबूत है इस बात का कि आप कुछ भी कर रहे हो इंशाल्लाह हम मुकाबला करते रहेंगे, हम मुकाबला करके एक दिन अमन भी कायम करेंगे, जैसे जब यह खत्म भी करेंगे और आखिरी दहशतगर्द तक इंशाल्लाह वी विल फाइट, हम मुकाबला करके उनको धर्म मौसम करके जम लेंगे। हम अपने शोजा के साथ हैं, अपने फोटो के साथ हैं, ऐसे जाहिल लोगों के साथ जो किसी भी जाहिल की लगाई हुई पट्टी के ऊपर अपने आप को जिहादी कहते हैं, तो ये जिहादी नहीं, ये जाहिलियत के अंधेरों में है, निकले इससे।
अपने लोगों को मत मारे, और अगर किसी को जिहाद करने का बहुत ही शौक है तो फिर ऐसे उलमा मौजूद है उनके साथ इनकी एक ड्यूटी करा देंगे, अगर वो शौक है वो बता देंगे कि जिहाद कहां पे हो रहा है, किसके खिलाफ जिहाद जायज है, वहां पे जाके करें इसको, अपने मुसलमानों को, अपने भाइयों को, अपने उन लोगों को किस तरीके से मार कर समझते हैं वो दर्जा करेंगे तो कोई दर्जा आपके नहीं है। मैं यहाँ पर फखर से कहता हूँ कि मैं कई सूबे का उजाला हूँ कि जिस सूबे ने फ्रंट लाइन की पाकिस्तान की हिफाजत की है और आज भी कर रहा है इंशाल्लाह, तो मुझे फखर है उन फोर्सेस के ऊपर जो बॉर्डर से लेकर हर कोने और हर चौराहे पर और हर चौक पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। हमने मिलकर मुकाबला भी करना है, हमने मिलकर इनको सलाम भी पेश करना है, हमने मिलकर इनके मसाइल भी हल करने हैं। और मैं अली साहब से आज दोबारा कह रहा हूँ कि किसी तरह के भी हमारे अपने उन जवानों और अफसरान की सिक्योरिटी के लिए जो भी तरह का आपको कुछ भी चाहिए फंड तो तहजीब बुनियादों पर इंशाल्लाह वो फंड आपको मिलेंगे। हमारे हमारा फखर है उनके लवाकिन, उनके खानदान, उनका आगे बढ़ा हमारे लिए बाय से फखर है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको आगे उस मकाम तक लेके जाएं ताकि ये जज्बा कायम रहे। ये याद रखें कि मैं पूरी कौम को एहतराम दे रहा हूं कि जब तक आप अपने शहीदों को उस तरीके से हजा नहीं देंगे तो उस वक्त आप याद रखें कि आपके लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो उस वक्त तक कुर्बानी देंगे जब तक उनको एक मकाम मिलेगा। हमने उनको सबसे बड़े से बड़ा मकाम देना है। इनकी वजह है कि आज हमारे बच्चे हमारे मुल्क के अंदर आज सुख का साथ दे रहे हैं। बाकी लोग बातें तो इस हवाले से बहुत है, मैं अगर लगा रहा हूं और सलाम पेश करता रहा हूं, खिलाज अकीदत पेश करता रहा हूं तो मेरे ख्याल में अल्फाज तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी कुर्बानियों का वो सिला हमको नहीं दे सकते। लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर हम सबका यह फर्ज है कि जितना भी उनके लिए कर सकते हैं हम करें, और अपनी जाती आरा के लिए या किसी की इंफराजी किसी हरकत की वजह से हम फोर्सेज को अपने उन गाड़ियों को अपने ड्यूटी देने वाले जवानों को उन अफसरान को कम अज कम तरजीह का निशाना ना बनाए, क्योंकि उनकी हिम्मत हमें बढ़ाना है। जिन लोगों से उनका मुकाबला है अंदरूनी और बैरूनी साफ जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो रही हैं उनका मुकाबला उनसे है, उनको हमारी सपोर्ट चाहिए। और वो मांगते भी कह रहे हैं हमसे सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही मांगते हैं, असला तो उन्होंने उठाया हुआ है, जाना और सीधा तो उन्होंने पेश किया हुआ है। अगर हम मॉरल सपोर्ट देने में भी उनको अगर कहते रहते हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी एक ज्यादती है उनके साथ। तो इंशाल्लाह इस सूबे में हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है, एक ऐसा निजाम लाना है जिसके अंदर मिलकर इंशाल्लाह तमाम चैलेंज का मुकाबला करें, चाहे वो तरक्की के हवाले से हैं, अमन के हवाले से हैं, खुशहाली के हवाले से हैं, रोजगार के हवाले से हैं। और इंशाल्लाह मैं यकीन है कि अगर मिलकर हम इसी तरह करते रहे तो इंशाल्लाह हम इन सब चैलेंज का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी नीयत को देखकर, हमारी नीयत अगर ठीक होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ हम इन तमाम चैलेंज को इंशाल्लाह मीट भी करेंगे और इंशाल्लाह इनसे आगे बढ़ के इंशाल्लाह वो मुकाम हासिल करेंगे जो हमारा फर्ज बनता है बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत किसी ऐसा ओहदा जो हमें दिया गया है सरकार की तरफ से। आशा मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगला जब इंशाल्लाह हमारा कहीं पर भी इस तरह का किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह सामना होगा तो आई साहब उन तमाम लोगों के ऑर्डर जो है एएसआई के 100% जितने भी हैं वो उनको मिल जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, हमारा मकसद है। हमारे जितने भी पुलिस के चौदह के बच्चे जहाँ जहाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं उन सब के तालीम के लिए अगर आपको उस फंड के अलावा और फंड भी चाहिए तो आप अप्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं तो क्या दृष्टि में काम करके पहले इनके बच्चों की तालीम को और इनकी सहूलियात को तरजीह दूंगा, क्योंकि ये वो तरक्की है जो असल तरक्की है, ये वो मंजिल है जो असल मंजिल है। और मैं यहाँ से आपसे ये ऐलान कर रहा हूँ इस हवाले से कि शहीद का बच्चा इसके बाद वजीर आला हाउस से लेकर किसी भी दफ्तर में जाएगा तो उसको तरजीह दी जाएगी, उनकी फैमिली को तरजीह दी जाएगी, उनकी बातचीत सुनी जाएगी, उनके मसलों को हल किया जाएगा। और तरजीह बुनियादों पर शहीदों के बच्चों और उनकी फैमिली के लिए एक वो मकाम एक वो रिस्पेक्ट दी जाएगी जो कि साबित करे कि हम इनको एक ऐसे ग्रेड में लेके जा रहे हैं जो इनका हक बनता है। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह जिस साहब ने बताया कि होम डिपार्टमेंट में भी सरदार के लिए एक अलहदा सेल बनाया जा रहा है ताकि अगर कहीं पे किसी भी वजह से, क्योंकि पुलिस के सिस्टम के साथ वो भी बहुत सारा निजाम चलाना होता है, मुकाबला करना होता है, तो एक और सेल बनेगा
होम डिपार्टमेंट में जिसके अंदर सिर्फ वो शहीदों के बच्चों के लिए उनकी फैमिली के लिए काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।